हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एक्सट्रीम मैथ। और आज हम कर रहे हैं क्लास एट्थ की एक्सरसाइज 12.2 प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि 2 से लेकर 9 तक हम फर्स्ट वीडियो में बना चुके हैं, तो आज करेंगे 10। एक बार रीड करते हैं। अ पेंटागन हैज इंटीरियर एंगल ऑफ मेजर एक्स डिग्री, एक्स माइनस का 4 डिग्री, 2x माइनस का 10 डिग्री, 2x माइनस का 5 डिग्री और 2x माइनस का 15 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। मतलब पेंटागन कैसा होता है आपको पता है, पेंटागन कुछ इस तरह से होता। तो ये सब डिग्री दे रखी है, यानी कि सारे एंगल दे रखे हैं। तो हमें पता है सम ऑफ पेंटागन क्या होता है। सम ऑफ पेंटागन क्या करते हैं, सम ऑफ पेंटागन होता है 540 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सारे एंगलों को सम करेंगे। तो जितने भी एंगल दे रखे हैं सबका सम करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स, ठीक है, एक्स प्लस का एक्स माइनस का 4, 2x माइनस का 10 प्लस का 2x माइनस का 5 और 2x प्लस का 15 इजिकल टू 540। ठीक है, सारे x प्लस कर लो, कितने हो गए, 1 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8x हो गया माइनस का देखो 4x, ठीक है 10x, ये कितने हो गए 14, 14 और 5 19, 19 माइनस के हैं भाई, 4 माइनस का 10 माइनस का और माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस वाले प्लस हो गए लेकिन साइन माइनस करेगा। अब 15 में 19 में से 15 चला गया तो कितना बचा, माइनस का 4, क्योंकि 15 प्लस का है 19 माइनस का है, ठीक है, माइनस करा तो कितना बचा 4 बचा, इजिकल टू 540। ठीक है, अब क्या करें हम, अब देखो ये 8x है, ये माइनस का 4, माइनस का 4 किधर जाएगा, इधर आएगा, ठीक है, माइनस का जब इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 8x इजिकल टू 544, ठीक है, प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, जो 8 है नीचे आएगा, ठीक है, 8 से हमने इसे काटा तो कितनी बार कट गया, 68 बार, तो x कितना आ गया, x डिग्री आ गया हमारा 68 डिग्री। ठीक है, तो हमारे जितने भी एंगल हैं, फर्स्ट एंगल है, सपोज करो कि हमारा फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल कितना आ गया, x डिग्री था, फर्स्ट एंगल कितना था, x डिग्री, ठीक है, ये कितना हो गया x, यानी कि 68। ठीक है, सेकेंड एंगल कितना, x माइनस का 4 डिग्री, तो x की जगह कितना रखा हमने, 68, 68 में से 4 माइनस कर दिया, 64 डिग्री। ठीक है, थर्ड एंगल कहाँ है, थर्ड एंगल है 2x माइनस का 10 डिग्री, तो 2 की जगह 2 रखो, x की जगह 68 रखो और माइनस का 10 कर दो, 136 माइनस का 10, 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री। अब क्या करें, फोर्थ डिग्री, 4 वाला एंगल क्या है, 2x माइनस का 5, तो 2 मल्टीप्लाई 68 माइनस का 5, करा इसे सॉल्व, ये आ गया 131 डिग्री। ठीक है, 131 डिग्री, क्योंकि 136 में से 5 गया तो 131 डिग्री। ठीक, अब लास्ट 5 वाला एंगल कितना है, 2x प्लस का 15, 2 मल्टीप्लाई 68 प्लस का 15, प्लस मल्टीप्लाई करा 136 प्लस का 15, 5 और 6 11 और 3 और 4 5 151। ठीक है, ये हमारा कितना कौन सा क्वेश्चन हो गया, 10 वाला। 11 क्वेश्चन रीड करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है तो फिर क्या है, एंड डायगनल्स ए सी, डायगनल्स क्या है, ए सी और बी डी, दो डायगनल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। ठीक है, इफ एंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल, ये कितना दे रखा, 55 डिग्री, और फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें एक चीज पता है कि ये एक सीधी लाइन है और इसको काटने वाली वो भी सीधी लाइन है, तो अब क्या करें, देखो एक बात सोचो, ये ऐसे ऐसे काट रहे ना आपस में, मैं इसको सीधा कर दूं तो कितना आ रहा, 90 डिग्री का बन रहा ना, तो इसी तरह से यहां पर क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये कितना 55, ये कितना 90, तो तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल के अंदर बनने वाले सारे एंगल को सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, हमने क्या करा, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी दिख रहा ना, ये वाला एंगल अंदर वाला, प्लस का बी ओ ए बी ओ, ए बी ओ ये वाला एंगल, ठीक है, और प्लस का बी ओ ए, बी ओ ए, ठीक है, ये सारे एंगल आ गए। तो अब क्या करें, एक हमारा 55 है, एक हमें निकालना है ये वाला बी वाला और ये 90 ओ वाला, ठीक है, ये प्लस करे 180 में से, प्लस करने के बाद कितना हो गया, प्लस करोगे 55 को और 90 को तो 145 आ गया और ये कितना 180 डिग्री। अब क्या करें, इसको उठा के इधर ले जाओ, 145 को उठा के इधर ले जाओ, तो एंगल ए बी ओ कितना आ गया, 180 माइनस का 45 यानी कि ये आ गया 35। ठीक है,
35 आ गया बी एंगल, ये 35 हो गया तुम्हारा, ठीक है, कितना हो गया 35, 35 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, जो बाइसेक्टर, जो तुम्हारा डायगनल्स है, जो डायगनल होते हैं वो पूरे एंगल को आधा काट देते हैं। अगर ये पूरा एंगल है ए बी सी, ये पूरा एंगल है, तो ये बाइसेक्टर जो कर रहा है तो इस एंगल बी को काट रहा ना, आधा आधा काट रहा ना। अगर मुझे पूरा बी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मैं डबल कर दूं किसका, 35 का। तो कैसे करेंगे हम डबल, तो क्या करूं, एंगल बी निकालना, मुझे एंगल बी निकालने का 35 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, डबल कर दिया ना तो 70 हो गया। अब एंगल बी और सी आर एडजेंट एंगल टुगेदर, तो बी और सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, एंगल बी और सी कैसे निकालोगे, बी और सी निकालना हमें, देखो जरा बी और सी, तो बी एक तो एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, ठीक है, तो दोनों एंगलों को निकालने का क्या करना पड़ेगा, दोनों एंगल इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या करा, तो ये एंगल बी प्लस सी इजिकल टू 180 डिग्री, तो 70 बी की वैल्यू रखी, सी की निकालनी है मुझे, इस 70 को ले जाऊंगा इधर, 70 को ले जाऊंगा इधर, 180 में से माइनस हो गया तो कितना हो गया, एंगल निकलेगा सी हमारा 110, ठीक है। अब ऐसे निकालना ए और डी, ए और डी कैसे निकालेंगे, वो भी दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे, ए प्लस का डी इजिकल टू 180 डिग्री, ए की वैल्यू रख दी और डी निकालना, तो इस 110 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 110 माइनस होगा तो बचा कितना, 70, डी भी निकल आया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए थे, ये सब चाहिए थे ए बी सी, ठीक है, सब निकल गए, निकल गए भाई, सी तुम्हारा निकल आया, डी निकल आया, तो सी निकल आया तो सी का अपोजिट एंगल ए है, सी निकल आया तो सी का अपोजिट एंगल ये है, और बी निकल आया तो बी का अपोजिट एंगल डी है, तो आपस में सामने सामने बराबर हो जाएंगे ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं। इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स वाई जेड, ठीक है, अभी तुम्हारा पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसमें एक्स वाई जेड निकालने, सिर्फ एक एंगल दे रखा 105, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को लेकर चलूं या इन दोनों को लेकर चलूं तो भी मैं निकाल लूंगा, क्योंकि एक लाइन पर बनने वाले दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो हम निकालने किससे, एक्स को निकाले लो इससे, तो एंगल एक्स और ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री बराबर हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस का 105 इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है। एक्स निकालना तो 105 को ले जाऊंगा इधर, तो 105 180 में से माइनस हुआ था कितना बेटा बचा 75 डिग्री, ठीक है। अब मुझ पर क्या आ गया, ये आ गया 75 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या करना, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, अब एक्स और जेड दोनों के सामने सामने के अपोजिट एंगल है तो बराबर होंगे, इधर वाई और ये वाला, तो ये दोनों सामने के बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 75, एंगल एक्स कितना होगा 75, ऐसी वाई की कितनी होगी, ये भी 105, ठीक है 105। तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, इसमें बी पार्ट में भी तुम्हें दे रखा तो, लेकिन एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स जेड और वाई, तो क्या करेंगे, देखो इन दोनों से निकाल लो पहले, या तो इन दोनों से निकाल लो या इन दोनों प्लस कर लो, एंगल जेड प्लस का 40 या 40 प्लस का जेड इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो जेड कितना निकलेगा 40 इधर ले जाओ, ये आ गया तुम्हारा 140, जेड निकली आई हमारे पास, ठीक है, जेड आ गया और ये दोनों आ गया, तो कैसे निकाले हम, अब देखो आ गया, आगे क्या करेंगे हम, वाई और जेड बराबर है, कैसे बराबर है, वाई जेड अपोजिट एंगल है, ठीक है, वाई और जेड बराबर है, अपोजिट एंगल सारे इक्वल पैरेललोग्राम में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तुम्हारा कितना हो गया 140 हो गया, वाई भी और जेड भी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, एक्स निकालना है, एक्स कैसे निकालू मैं, एक्स कैसे निकालूंगा भाई, एक्स और ये दोनों मिला लू ना, ठीक है, तो कर दो, देखो जी ये क्या करा हमने, 40 प्लस का एक्स इजिकल 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इसे ले जाओ इधर 40 को, तो ये 104 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन निकल गया। सी वाले पे पहुंचो, सी में क्या दे रखा, ये दे रखा डायग्राम, यहां वाई और एक्स निकालना, ये एक्स वाई जेड निकालने, तो वाई कितना है 110 बराबर है, ठीक है, तो अपोजिट एंगल ऐसे केवल पता ही है। अब एक ट्रायंगल के अंदर कौन सा है? एक तो जेड होगा, एक वाई होगा और एक 30 हो गया, तो कितना होगा, वाई प्लस का 30 प्लस का जेड, तो वाई की वैल्यू तो तुम पहले बता चुके हो कितनी है अपोजिट एंगल के हिसाब से, 110 प्लस का 30 प्लस का जेड, ठीक है। तो अब क्या करें, इन दोनों प्लस कर लो, कितने हो गए 140, इसको ले जाओ उधर 180 की तरफ, तो ये कितना हो गया माइनस हो गया, तो जेड की वैल्यू कितनी निकली, 40 निकली, जेड की वैल्यू 40 आ गई। अब ये 40 तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल जेड बन रहा आपका, तो क्या कर लिखेंगे हमसे, एक्स और जेड बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से दोनों 40 हो गए, देखो यहां बन रहा जेड, ये बन रहा जेड आपका, तो जेड जब बनता है तो अल्टरनेट एंगल होते हैं ये दोनों,
ठीक है ना, ये दोनों बराबर हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से, दोनों बराबर हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी पार्ट पे क्या कह रहे हैं, ये डायग्राम दे रखा आपको, इसमें क्या निकालना, इसमें भी वाई एक्स और जेड निकालना। तो देखो ये कितना 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये कितना है 90 का, ये आपको दे रखा, ये निकालना वाई। तो कैसे लगोगे, कैसे करोगे, एक ट्रायंगल में बनने वाले सारे एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो वाई प्लस का 60 प्लस का 90 इजिकल टू 180 डिग्री, दोनों प्लस कर दिए 150 हो गया, वाई प्लस का 150 इजिकल टू 180 डिग्री, इस 150 को ले जाओ इधर, तो वाई इजिकल टू कितना हो गया 180 में से 150 गया तो 30, वाई की वैल्यू निकली है हमारी। अब यहां फिर जेड बन रहा, देखो ये बन रहा जेड, दिख रहा ना, यहां से चलो यू आओ और यू बन रहा जेड, तो जितना वाई है उतना ही जेड होगा, ठीक है। तो और इधर ये जो है तुम्हारा एक्स कितना हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली चौंस से चौंस मिली होती है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एक्स तुम्हारा कितना हो गया 90, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उधर अल्टरनेट एंगल, तो ये तुम्हारा दोनों निकल आए, ठीक है, कितना वाई कितना था 30, तो वाई 30 तो जेड 30, ठीक है, समझ में आ गया ना, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ई में, ये भी एक डायग्राम दे रखा, इसमें क्या है एक्स निकालना है और जेड निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या करें, ये 100 प्लस का वाई कर लें, 100 प्लस का वाई इजिकल टू 180 हो जाएगा ना, इस लाइन पे बनने वाला एंगल, ये दिख रहा ना, ये रहा, तो ये कितना हो गया 180, वाई कैसे निकालेंगे, 180 में से 100 माइनस करते हैं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 80, ठीक है। अब क्या करें, अब अगले पेज पे चलो, देखो जी, अब जेड प्लस का 70, जेड प्लस का 70 कैसे, देखो ये एक लाइन पे बनने वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये दिख रहे ना, तो जेड प्लस का 70 इजिकल टू 180 डिग्री कर दो जी, जेड प्लस का 70 इजिकल टू 180 डिग्री, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 180 में 70 माइनस कर दो 110। अब तुम्हारे तीनों के तीनों इसमें आ गए ना, अब कैसे निकालोगे, देखो जरा इस ट्रायंगल को पूरे को ले लो, ठीक है, कैसे लेंगे, एक्स प्लस का 70 प्लस का 80 इजिकल टू 180 डिग्री, दोनों प्लस करो इधर ले जाओ माइनस कर दो 30 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, इजी ना। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन क्या करा, इन दिस फॉलोइंग पैरेललोग्राम कौन सा एंगल एम एन ओ और ई एफ जी एच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये तुम्हारे ये डायग्राम दे रखा, इसमें क्या है दो तुम्हारे डायगोनल्स हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है उसमें क्या करना, देखो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, तो डायगोनल्स का आधा पार्ट इधर है आधा इधर है, ठीक है, बराबर होंगे ना, तो वाई प्लस का 4 इज इक्वल टू 25, अब 4 को ले जाओ इधर, तो y इजिकल 25 माइनस का 4, तो y इजिकल 21 हो गया, ऐसे इन दोनों को प्लस बराबर रख दो अपने, ये क्या होगा x प्लस का, देखो ये तो हो गया x प्लस का 5 इजिकल 20, ये y प्लस का 4 इजिकल 25 जो हमने पहले करा है। अब क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं x प्लस का 5 इजिकल 20, x प्लस का 5 इजिकल 20, तो x इजिकल टू कितना होगा 5 इधर ले जाओ, x की वैल्यू होगी 15, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है तुम्हारा डायग्राम, इसमें क्या कह रहे हैं, इस डायग्राम में हमें क्या करना, देखो ये वाली साइड और ये साइड दोनों बराबर होंगे, ये साइड और ये दोनों साइड बराबर होंगी, तो 5x इजिकल टू 15 लिख सकते हैं हम, 5x इजिकल टू 15 यानी कि x इजिकल टू 5 नीचे आएगा, 5 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो x इजिकल टू कितना हो गया 3, ठीक है, ऐसे ही रख लो सामने सामने को, ये क्या 3y प्लस का 1 इजिकल टू 25, इस 1 को ले जाओ उधर माइनस हो जाएगा, तो 3y 25 माइनस का 1 यानी 24, तो y इजिकल टू 24 अपॉन 3 कट गया 3 से 24 8 बार, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14, इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी डायग्राम बना कर दे रखा आपको, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर, दिस इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम दे रखा, विच ऑफ इट्स टू साइड ऑफ पैरेलल, तो दो साइड दे रखी है यहाँ पे, इसमें दो एंगल दे रखे हैं, तो देखो इससे इसको निकाल लूं मैं, एंगल के प्लस का 80 इजिकल टू 180 डिग्री, यानी के की वैल्यू कितनी 100, ऐसी इससे इसे निकाल लो, ये कितना हो गया एन प्लस का 100 इजिकल टू 180 डिग्री, भाई एन प्लस का 100 इजिकल टू 80 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, 100 को इधर ले जाओ, एन की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से 100 गया 80 बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम में क्या दे रखा है 15 क्वेश्चन में, कि ये जो डायग्राम बना रखा है इसमें एक एंगल दे रखा है 120 का, ठीक है, अब यहां पे क्या है दोनों पैरेलल है, तो एंगल सी और 120 इजिकल टू 180 डिग्री, सी की निकली आई इतनी, ठीक है, सी 60 आ गया। अब क्या करें, अब देखो फिर अगला डायग्राम दे रखे मैं क्या पूछा, इसने पूछा आर, तो फाइंड द मेजर ऑफ कौन सा पी और एस, इफ अगर ये दोनों पैरेलल दे रखे हों तो क्या करेंगे, देखो भैया ये पी और क्यू
एक ही लाइन पे बनने वाले हैं, ये बन रहा आपका ऐसे करके, देखो ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये और ये दोनों प्लस कर दो 180 डिग्री के इक्वल होंगे, तो पी यहां रखो 130 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया पी की वैल्यू 50, तो आपका पी आ गया, ठीक है, पी कितना है 50, सॉरी 90, ठीक है, पी 90 कहां से दे गया यार, पी आपका आ गया 50, ठीक है, आर कितना है आपका, आर है 90, आर करो इसको यहां पे, ये है आर, ठीक है ना, आर, ठीक है, राइट एंगल है। अब क्या करें, ये दोनों चाहिए थे निकाल दिए, अब कौन सा क्वेश्चन है, बस ध्यान में आ गया, समझ में आ गया ना, 16 क्वेश्चन तुम्हारे पूरे हो गए। तो भैया ये आपकी डिमांड पर किस, कृष्णा, अवनीश, साक्षी और शिवम, अतुल, सब तुम्हारा पूरा ग्रुप जो है ना, सबके डिमांड पे मैंने, चीकू वगैरह सबके डिमांड पे मैंने ये पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी खत्म कर दी है, ठीक है, अब जो करवानी हो बता देना, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।